सुरेंद्रनगर में दिवसे पण चालू रहती स्ट्रीट लाइट सामे पीजीवीसीएल विभागे विशेष अभियान हाथ धर्यो। सुरेंद्रनगर दूधरेज नगरपालिका विस्तार में एलईडी स्ट्रीट लाइटों नाखवामां आवी छे, त्यारे केटलीक स्ट्रीट लाइटों कनेक्शन सीधा वीजजोड़ाणना वायरो साथे आपी देवामां आवता आवी स्ट्रीट लाइटों दिवस रात चालू रहेवा पामे छे, त्यारे आ मामले पीजीवीसीएल अधिकारीए नगरपालिकाना वीजळी विभागना कर्मचारीओ साथे टीम बनावामां आवी छे। आ टीमना माध्यमथी चोमासा पहेला दिवस रात चालू रहती तमाम स्ट्रीट लाइटो फक्त रात्रिना अंधारमां अजवाड़ा पाथरे ते अंगेनी कामगीरी पूर्ण करी देवानो आशावाद व्यक्त थवा पाम्यो छे। तो शुं कहे छे सुरेंद्रनगरना नायब इजनेर नीरवभाई पंड्या। स्टोरी बाय अवधेश त्रिवेदी, मां आशापुरा न्यूज चैनल, सुरेंद्रनगर, गुजरात। मारू नाम नीरव पंड्या, हूँ नायब इंजीनियर तरीके सुरेंद्रनगर शहर पेटा विभागीय कचेरी एक मां फरज बजाऊ छू। हाल सुरेंद्रनगर शहर विभाग नी अंदर जे स्ट्रीट लाइट डायरेक्ट 24 कलाक चालू होय छे, ये स्ट्रीट लाइटों ना रेक्टिफिकेशन नु काम अमे युद्धना धोरणे हाल चालू करायुं छे। जे स्ट्रीट लाइटों 24 कलाक चालू होय छे एने शेड्यूल पावर में एटले के रात्रिना समय में चालू रहे ए प्रमाणेनी कामगीरी हाल हाथ धरी छे, जेमां नगरपालिकाना कर्मचारीओ अने अमारा पीजीवीसीएलना कर्मचारीओ साथे मळी अने एरिया वाइज विस्तार वाइज आ कामगीरी करी रह्या छे। अत्यारे हाल आजनी तारीख सुधीमां अमे टोटल 254 स्ट्रीट लाइटोनुं काम अलग अलग जग्याए करीने व्यवस्थित करी छे, रेक्टिफाइड करी छे। तेमज हाल आ COVID-19 कोरोनानी महामारी वच्चे अमे एकदम सोशियल डिस्टन्सिंग राखी तेमज सैनिटाइजर अने मास्कनो उपयोग करी अने नगरपालिकाना माणसो जोड़े पण सोशियल डिस्टन्सिंग जाळवी रखावी मास्कनो उपयोग करावडावीने आ कामगीरी चालू राखीए छे। तेमज अमारी इलेक्ट्रिकल सेफ्टीना साधनोनो उपयोग पण अचूक करवानी अमे तमाम लाइन स्टाफने जणावीए छीए। અત્યારે સાહેબ તમારે લાઇટ બિલ છે, ઘરના વપરાશ લાઇટ બિલ છે, એના માટે કોઈ રીડિંગ માટે કોઈ અત્યારે આવે છે ખરા? હાલ સરકારશ્રીએ જે જાહેરાત કરી છે તેમજ અમારી વડી કચેરીના પરિપત્રો મુજબ એવરેજ બિલ આપી અને ગ્રાહકને ઓનલાઈન પેમેન્ટ કરવા માટેની માહિતીથી અમે એમને જાણ કરીએ છીએ, પરંતુ મીટર રીડિંગનો પ્રોગ્રામ અત્યારે બંધ છે અને અમારી ટેકનિકલ રેવન્યુ લેંગ્વેજમાં એને એન સ્ટેટસમાં બિલ આપવા માટેની જોગવાઈ હાથ ધરેલ છે। ત્યાર પછીનું જે બિલ આવશે એન સ્ટેટસ પછીના આગળની બિલિંગ સાયકલમાં જેમ રીડિંગ જોવા મળશે તેમ એને રેગ્યુલરાઇઝ બિલ કરવાની પ્રોસેસ અને એન સ્ટેટસમાં જે બિલ આપેલા છે એને જો રિફંડ આપવા પાત્ર હશે તો રિફંડ આપવામાં આવશે।